हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम जानेंगे अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन के बारे में। अनुवाद किसे कहते हैं और अनुवाद करने की सही नियम क्या है? कोई भी जब भी आप पढ़ाई करते हैं दोस्तों, अनुवाद या ट्रांसलेशन की सभी को आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अनुवाद करते वक्त हमें दूषित यानी कि गलत अनुवाद से बचना चाहिए। आप जानते हैं, गलत अनुवाद ने ही हिरोशिमा पर बम गिरा दिया था। हुआ क्या था कि दूसरे महायुद्ध के समय अमेरिका ने जापान को संदेश भेजकर एक अल्टीमेटम दिया था और उसमें जापान ने उत्तर दिया मोको सतुस। उनका मतलब था उत्तर की प्रतीक्षा कीजिए। और अमेरिका ने क्या अर्थ लगाया कि हम इस चेतावनी की अवज्ञा करते हैं, और उन्होंने हिरोशिमा पर बम गिरा दिया। क्या हुआ? नतीजा सबको पता है। तो दोस्तों, जब भी आप अनुवाद करते हैं, कुछ बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। क्या होता है अनुवाद? एक भाषा के भावों और विचारों का आश्रय भाषा में रूपांतरण को दूसरी भाषा में रूपांतरण को ही अनुवाद कहते हैं। एक अच्छे अनुवाद का मुख्य लक्षण है कि वो अनुवाद अनुवाद सा नहीं लगना चाहिए। और कोई भी अनुवाद करते वक्त एक भाषा में किसी भी विचार भाव को अभिव्यक्त करने की अपनी प्रकृति होती है। और जब अनुवाद किया जाता है तो एक भाषा की अभिव्यक्ति की जो प्रकृति होती है वो दूसरी भाषा की अभिव्यक्ति की प्रकृति में बदल जाती है। इसलिए जब भी आप अनुवाद करते हैं तो शब्द का अनुवाद ना करें, शब्दों के अनुवाद करने से बचें। और जब आप अनुवाद करें तो ध्यान रखें कि जो आपको जिसका आपको अनुवाद करना है उसका जो मूल आशय है उसे आप बनाए रखें, और अनुवाद करते वक्त दूसरी भाषा में भी उस मूल आशय को ही प्रकट करें। अनुवादक एक अच्छे अनुवादक को ना केवल दोनों भाषाओं से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए बल्कि उसे उस विषय की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिसका उसे अनुवाद करना है। इससे क्या होगा कि यदि वो उस विषय के बारे में अच्छी तरह जानता है तो दूसरी भाषा में अनुवाद करते वक्त उस मूल आशय को वो ख़त्म नहीं होने देगा और दूसरी भाषा में वह मूल आशय आसानी से पढ़ने वाले को समझ आ सकेगा। अनुवाद करना भी एक कला है, इसकी भी एक तकनीक होती है जिससे एक अनुवादक को भली भांति परिचित होना चाहिए। दोस्तों, अंग्रेजी से हिंदी भाषा में अनुवाद की आवश्यकता क्या है? आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी भाषा का हर तरफ बोलबाला है, चाहे वो हिंदी प्रदेश हो, कोई भी भाषा हो, लेकिन वहाँ इंग्लिश अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जो हर कोई समझ लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हिंदी भाषा आसानी से समझ आती है, और बहुत सी जगह पे हमें हिंदी भाषा में अनुवाद की बहुत अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद की बहुत ज़रूरत होती है। भारत जैसे देश में अनुवाद हमारे सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक और व्यावसायिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। केंद्रीय सरकार की राज्य भाषा के रूप में आज भी अंग्रेजी भाषा के जारी रहने के कारण अंग्रेजी भाषा का प्रचलन हर जगह है। चाहे आप किसी स्कूल में चले जाएं, किसी कॉलेज में चले जाएं, या किसी बिजनेस उद्योग में देख लीजिएगा, हर जगह अंग्रेजी भाषा का बोलबाला होगा। हिंदी प्रदेशों में भी अंग्रेजी का प्रचलन जारी रहने से और हिंदी प्रदेशों में ऐसी स्थिति में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने की आवश्यकता बराबर बनी रहती है। क्या करना है अनुवाद के लिए? अनुवाद को शब्द के स्थान पर शब्द और वाक्य के स्थान पर वाक्य को ही अनुदित करना चाहिए। उसे आशय के स्थान पर आशय, मतलब उसके मूल आशय को ही उसको उसके मूल आशय को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वाक्य के स्थान पर वाक्य लिख रहे हैं, शब्दों के स्थान पर शब्द लिख रहे हैं, तो ऐसे जो मूल अनुवाद है वो सही नहीं बन पाएगा।
अच्छे अनुवाद में यह संभव है कि एक शब्द को अनेक शब्दों में और अनेक शब्दों को एक शब्द में, यहाँ तक कि एक वाक्य को अनेक वाक्यों में और अनेक वाक्य को एक वाक्य में अनुवादित कर दिया जाए। दोस्तों, अनुवाद एक कला है। माना कि आज कंप्यूटर का बहुत व्यापक विकास हो चुका है, लेकिन फिर भी एक अच्छा अनुवाद मनुष्य का दिमाग ही कर सकता है, ना कि कोई कंप्यूटर इसका अच्छा अनुवाद कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जाना कि अनुवाद क्या है और अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे अनुवाद करते समय हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में या अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें किस तरह से एक अच्छा अनुवाद हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।